नमस्कार। आज आप डिस्प्ले पे मेरी मोबाइल की स्क्रीन देख रहे हैं। मैंने अभी गूगल मैप ओपन किया है, ये यूनाइटेड स्टेट आपको दिख रहा है। आप सोच रहे होंगे मैप क्यों दिखा रहा हूँ, लोकेशन को देखिए ज़रा। आप समझ गए मैं आपको मैप क्यों दिखा रहा था। मैं आज न्यूयॉर्क में लोकेशन आपको दिखा रहा हूँ अपनी, और आप ये मत सोचना कि मैं असली में न्यूयॉर्क में चला गया हूँ। भैया इतने पैसे नहीं है मेरे पास अभी, तो ये सब डमी काम किया है, डुप्लीकेट काम किया है। कैसे करेंगे उसी के ऊपर हम आज बात करेंगे। अब इसके फ़ायदे क्या हैं, जैसे कि आप व्हाट्सएप पर अपनी रियल लोकेशन शेयर करना चाहते हैं, लेकिन वो भी डुप्लीकेट वाली। अब रियल और डुप्लीकेट थोड़ा कन्फ्यूजन टाइप का हो गया। मतलब जैसे कि कोई कहता है कि आप अपनी लाइव लोकेशन व्हाट्सएप पे भेजो, तो यहाँ से आप ये सब सिस्टम करके उसे जो है अपनी वही डुप्लीकेट लोकेशन भेज सकते हैं। और जैसे ही वो ओपन करेंगे आपके व्हाट्सएप वाली लोकेशन, तो दिखाएगा कि भैया आपने यहीं से लोकेशन उनको भेजी है। इसका एक फ़ायदा और भी है, जैसे कि कुछ ऐप ऐसे होते हैं जो लोकेशन के भूखे होते हैं, अब उनको चकमा देने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप अपनी लोकेशन को रिवील नहीं होने देना चाहते हैं, अपनी लोकेशन छुपा के रखना चाहते हैं, तो इन सब ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको डालने के लिए आपको जो है प्ले स्टोर पर आना है, यहाँ पे लोकेशन चेंजर लिखिएगा, ये ऐप दिखेगा, इंस्टॉल कर लेना है। तो इसके कई सारे फ़ायदे भी हैं, अच्छे हैं बुरे भी हैं, तो आपके ऊपर है आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वही है, चक्कू से आप सेब भी काट सकते हैं और वो चीज़ भी काट सकते हैं, तो समझ गए होगे आप। अभी चलिए ये मेरा ऐप इंस्टॉल हो चुका है, इसको ओपन कर लीजिए। ठीक है, ये ऐप आपका कुछ इस तरीके से ओपन होगा। अग्री कर लीजिए यहाँ पे और इसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और अब जो है आपको सेटिंग में चलना होगा। सेटिंग में कुछ एक दो चीज़ें हमें करनी है। अभी पहले तो मैं इसको नीचे करता हूँ, यहाँ पे आइए सेटिंग में। हमें सेटिंग में करना क्या है कि एक डेवलपर ऑप्शन है उसको ऑन करना है। तो अबाउट फ़ोन में आइए, यहाँ पे मेरा फ़ोन MI का है, तो MI वर्जन के ऊपर मेरे को चार पांच बार क्लिक करने से वो डेवलपर वाला ऑप्शन दिख जाएगा। अगर आपका फ़ोन और किसी ब्रांड का है तो एक बार गूगल कर लीजिएगा, आपको जो है अपने ब्रांड से रिलेटेड स्पेशल ट्यूटोरियल मिल जाएगा कि वो आप डेवलपर ऑप्शन कैसे ऑन करेंगे। अभी मेरा डेवलपर ऑप्शन ऑन हो चुका है, यहाँ पे देखिए लिखा भी आ गया है ऑलरेडी ये डेवलपर करके। ठीक है, अब इसके बाद आपको जो है बैक कर लेना है। यहाँ पे आपको सर्च सेटिंग दिखेगा, इसमें डेवलपर ऑप्शन लिख के सर्च कर लीजिए, आपको काफ़ी आसानी से डेवलपर ऑप्शन दिख जाएगा। अभी मैं मैनुअल आपको उसके अंदर चल के दिखाता हूँ। नीचे आइए, एडिशनल सेटिंग दिखेगा, इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, और थोड़ा इसे नीचे करेंगे, वो देखिए आपका डेवलपर ऑप्शन दिख चुका है, ओपन कर लीजिए। अब एक बार अपने वही प्ले स्टोर के ऊपर चलिए, यहाँ से हमारा काम हो गया है, वो ऐप अपना ओपन कर लीजिए। यहाँ पे इसको थोड़ा मैं जूम माइनस करता हूँ और शो मैप पे क्लिक कर लीजिएगा, आपको पूरा मैप वैप दिखने लगेगा। अब मैं सोच रहा हूँ यार कहाँ की लोकेशन इस बार सेलेक्ट करी जाए। पहले तो अभी हम न्यूयॉर्क को घूम के आ रहे हैं, अभी चलिए रशिया के पास चलते हैं। रशिया में मॉस्को की तरफ चलते हैं, जहाँ पे पुतिन चचा रहते हैं। ये मैंने कोई सी रैंडम लोकेशन सेलेक्ट कर ली है रशियन में, और रशिया में अभी यस कर लीजिए। यस करते ही आपका जो है डेवलपर ऑप्शन खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको मॉक लोकेशन करके एक सेटिंग मिलेगी, उसको ढूंढना है। ध्यान से देखिएगा, बहुत लंबी लिस्ट है, खड़बड़ नीचे मत कर दीजिएगा, नहीं तो गायब हो जाएगी। ये रही मॉक लोकेशन, इसको सेलेक्ट करते ही आपको लोकेशन चेंजर दिखेगा, इसको ओपन कर लीजिए, मतलब सेलेक्ट कर लीजिए, आपका काम हो चुका है। अब एक बार फिर से स्टार्ट पे क्लिक करिए, हर बार आपको ये काम नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार था। अब जब भी आपको कोई लोकेशन चेंज करने हो तो यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। अभी लोकेशन चेंज हो चुकी है, मैं आपको गूगल मैप में चल के दिखाता हूँ। हो जा भाई, ओपन हो जा, अभी तो हम वही न्यूयॉर्क में दिखा रही है। चलिए ये पहले की लोकेशन है जो मैंने ओपन करी थी, जूम माइनस करता हूँ। ठीक है, पूरा घूम लीजिए, पहले न्यूयॉर्क को घूम लीजिए अच्छे से। ये आप अब जो है यूनाइटेड स्टेट को ऊपर से देख रहे हैं, बगल में वो देखिए हम जो है रशिया के जंगलों में पहुँचे हुए हैं। मैं मॉस्को जाने वाला था, मॉस्को सिटी में, वहाँ पे कोई अच्छी लोकेशन पे, लेकिन अभी रसिया में आ चुके हैं। अब चलिए व्हाट्सएप ओपन करके हम किसी को अपनी लाइव लोकेशन शेयर करके देखते हैं कि हमारी वही रसिया वाली लोकेशन सेलेक्ट हो रही है कौन सी। तो ये देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपकी रशियन लोकेशन आ चुकी है।
और अभी चलिए बैक करते हैं। और इसका जो है कई सारे फ़ायदे होते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ, बढ़िया बढ़िया चीज़ हैं, बाकी आपके ऊपर है आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो आप जो है एक काम करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जो है नेक्स्ट वीडियो गूगल मैप के ऊपर ही बताने वाला हूँ, कई सारे टिप्स और ट्रिक इसके बारे में हैं तो वो आपको बताऊँगा, काफ़ी बेहतरीन होगा। अभी के लिए ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।